फ्रेंड्स, वेलकम इन पद्मश्री लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? सो आज मैं फिर से आपके लिए एक होम टूर लेके आई हूँ, और जो भी मैं होम टूर लाती हूँ ना, वो बहुत ही प्यारा लाती हूँ। जो ये वाला होम है, ये मेरी आंटी का है, मम्मी की बेस्टी, मम्मी की बेस्ट फ्रेंड। तो आंटी का घर ना इतना सुंदर है, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सुंदर घर है। तो एक बहुत प्यारा सा होम टूर फिर से आपके लिए लाई हूँ। और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आंटी से भी मिलवाती हूँ और आंटी के प्यारे से घर से भी। तो हम वही एंट्री से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एंट्री भी बहुत प्यारी है। सो, ये देखिएगा, ये एक फ्लैट है, 4 BHK है, 4+1, एक सर्वेंट रूम भी है। तो यहाँ से एंट्री है। तो यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे एक प्लांट रखा हुआ है, लिविंग प्लांट। और यहाँ पे कुछ डेकोरेशन की हुई है, यहाँ पे कुछ फ्लावर्स रखे हैं आर्टिफिशियल, और ये इस तरह की टेबल जो काफ़ी सुंदर अच्छी लग रही है। और ये साथ में एक और डोर है जो कि सर्वेंट रूम है। इधर ये सर्वेंट रूम है और इधर हमारी फ्लैट की एंट्री स्टार्ट होती है। तो आंटी आएंगी और हम अंदर चलेंगे। नमस्ते आंटी। तो ये हैं हमारी प्यारी सी आंटी, और बहुत प्यारा आंटी का घर है। तो आज आंटी का हम होम टूर करें। आंटी, आपका घर देखें, हम सबको दिखाऊं? श्योर श्योर, व्हाई नॉट। थैंक यू आंटी। तो यहाँ से ये एंट्री है, और यहाँ पे एंट्री पे ही ये देखिएगा, इधर है मिरर, और मिरर में हमेशा होती हूँ मैं। हेलो। सो मिरर के साथ में ही कितने सुंदर से ये लगाए हुए हैं, बहुत प्यारी और बहुत ही अलग सी कुछ डेकोरेशन है। और यहाँ पे ये देखिएगा हैंगिंग, जैसे ही हम एंट्री करते हैं साइड में है एक रूम है जो बेडरूम है, वो हम बाद में देखेंगे। और राइट हैंड साइड में है किचन। सो पहले हम किचन देखते हैं, मॉम्स किचन। तो हम एंट्री करते हैं किचन में, और ओपन किचन है, इधर से सारा लिविंग एरिया दिखाई देता है। कितना सुंदर लुक है ना पूरे घर का। तो यहाँ पे है ये किचन, यहाँ पे फ्रिज, बहुत नीट एंड क्लीन घर है आंटी आपका। आंटी अंदर गए क्योंकि आंटी थोड़ा रेस्ट कर रही है। मैंने कहा आंटी बहुत नीट एंड क्लीन है और बहुत सुंदर तो है ही। आपने भी वॉशिंग, अच्छा आपने यही करवा रखी है वॉशिंग? इसके साथ बालकनी है, बालकनी में बर्तन वाला करवा। हाँ, यहाँ पे वॉशिंग एरिया बनाया हुआ है। तो ये है आंटी का किचन, और सामने ही डाइनिंग टेबल बहुत ही अच्छा है, यहाँ से ओपन है पूरा, और किचन का साइज भी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है आंटी ने बहुत सुंदर डेकोरेशन कर रखी है। ये है डाइनिंग एरिया, पेंटिंग्स का जो कलेक्शन है ना, वो बहुत सुंदर है पूरे घर में। तो यहाँ से भी एक बालकनी है डाइनिंग के सामने भी, इधर और यहाँ पे। यहाँ पे देखिए स्टिकर लगाया,
क्रॉकरी यूनिट। सो इधर से ये देखिएगा सामने, इधर किचन, ये डाइनिंग एरिया और उसके सामने ये लिविंग स्पेस। कितना कामिंग सूदिंग सा है ना, कितनी अच्छी वाइब्रेशन है घर की, बहुत ही काम, बिल्कुल पीस। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कहा ना पेंटिंग्स बहुत सुंदर है पूरे घर में। एक बुद्धा जी का स्टैचू और इधर भी है बालकनी, कर्टन्स, कितने सुंदर कर्टन्स है ना, फ्रिल वाले। बालकनी में है कुछ प्लांट्स, बालकनी बहुत बड़ी है, मैं बाद में दिखाती हूँ आपको। ये देखिएगा कितना सुंदर कैंडल्स रखी हुई हैं। तो इस वाली वॉल पे ये सारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं और इधर ये लैंप्स, ये फ्लोर लैंप, इधर लिविंग प्लांट और ये वाला देखिए वुडन टेक्सचर में कुछ डेकोर लगाया हुआ है, वॉल डेकोर, कितना सुंदर लग रहा है। और इसी के साथ में ये है टेबल। तो ये है लिविंग रूम, कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत प्यारा लग रहा है। सो डाइनिंग, लिविंग इधर और उधर है थ्री बेडरूम, एक इधर, एक इधर और एक इधर। सबसे पहले हम चलते हैं इस वाले बेडरूम में। तो ये खाली है, यहाँ पे है ये एक बेडरूम, वॉल पे पेंटिंग्स देखिएगा। तो ये सारी पेंटिंग्स का ऐसा कलेक्शन क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ। इधर है ये टीवी यूनिट और ये देखिएगा इधर भी पेंटिंग। एंड इधर भी है बालकनी और यहाँ है ड्रेसिंग। चाओ चाओ। तो ये हो गया एक बेडरूम। तो एक बेडरूम ये है मास्टर बेडरूम, ये देखिएगा पेंटिंग्स। यहाँ पे सिटिंग, सामने बुद्धा जी की पेंटिंग्स लगाई हुई है और ये बेडरूम मास्टर बेडरूम। इधर है टीवी यूनिट, इधर है बालकनी सामने और ये इसका ड्रेसिंग और वॉशरूम एरिया। सो
यहाँ है ड्रेसिंग, हम बार बार आ जाते हैं मिरर में, हेलो हेलो। इधर वॉशरूम है, सो ये हो गया मास्टर बेडरूम जिसकी बालकनी अटैच है। बालकनी में आंटी ने सेटिंग किया हुआ है अरेंजमेंट, और इधर है एक बेडरूम जिसमें अंकल रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि दोपहर का टाइम है, तो वो मैं नहीं दिखाऊंगी। इधर एक वॉशरूम है, और यहाँ पे ये देखिएगा पूरा लिविंग स्पेस कितना सुंदर है। अब हम इस वाले बेडरूम में देखते हैं जहाँ आंटी रेस्ट कर रहे हैं। बैठे रहो आंटी, आप कोई बात नहीं, नहीं आप बैठे रहो, एक बार मैं इसकी बालकनी अटैच है ना, हाँ वो एक बार देखते हैं। यहाँ पे है ये, ये सारा पेंटिंग्स वगैरह सब दीदी की पसंद है ना? हाँ, सारी उसी की है। हाँ जी, तो इसके साथ भी इधर वॉशरूम है, और ये है बालकनी जिसमें अब हम चलते हैं। तो ये है पूरे घर की बालकनी, जो इधर लिविंग स्पेस से अटैच थी, उधर उस बेडरूम से अटैच थी, और एक बेडरूम के उधर साइड में, तो काफ़ी बड़ी बालकनी है। और इधर से पूरा व्यू भी बहुत सुंदर है, ये देखिएगा, है ना? तो ये देखिएगा कितना सुंदर घर है ना आंटी का, बहुत सुंदर है। सो ये आंटी का 4 BHK का जो होम टूर था वो था, एक बेडरूम रह गया क्योंकि अंकल रेस्ट कर रहे हैं, वो भी सेम इसी तरीके का है, ऐसे ही डेकोरेशन की हुई है, ऐसे ही उसमें भी। सो इस घर की जो खासियत है वो ये है कि ये जितनी भी डेकोरेशन है, एक एक चीज़ वो सब दीदी की पसंद है। दीदी यानी कि आंटी की जो बेटी हैं वो कहाँ रहती हैं आंटी? दीदी ऑस्ट्रेलिया। हाँ, तो ये हमारी आंटी हैं, हेलो आंटी, बहुत प्यारा घर है आंटी आपका। थैंक यू। तो दीदी, आंटी की जो बेटी हैं दीदी, वो रहती हैं ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारा जितनी भी डेकोरेशन है वो उनकी पसंद है, वो जब भी आती हैं तो डेकोरेशन थोड़ी बहुत चेंज करके जाती हैं हर बार, और एक एक चीज़ दीदी की पसंद है, तो बहुत सुंदर है। दीदी की जो चॉइस है ना, टेस्ट बहुत अच्छा है, उनको भी बहुत शौक है, इसलिए मैंने कहा आंटी का घर सबसे अलग है, तो होम टूर तो बनता है। थैंक यू आंटी, थैंक यू। नहीं थैंक यू, हमें बोलना चाहिए कि आपने, बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू आंटी, तुमने समझा इस लायक कि आंटी का घर अच्छा है। मुझे नहीं आंटी, मैं तो मतलब जब भी एक साल पहले आई थी ना तब अलग था, उस टाइम भी बहुत सुंदर था, अभी मैं आई हूँ तो दीदी अभी आए थे तो वो चेंज करके गए हैं, तो भी बहुत सुंदर है। पहले पोस्टर बेड था ना, उसको हटाया फिर ये वाला चेंज करा, मैंने देखा तो देखा था। हाँ, तो अब इसमें रूम में बिल्कुल चेंज कर दिया पूरा, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। हाँ नहीं कोई बात नहीं, तो सेंटर में खड़े होके ना ऐसा कुछ व्यू आता है पूरे घर का। उधर से एंट्री, इधर किचन, इधर बेडरूम, डाइनिंग, उधर फिर बालकनी, उधर भी बालकनी, और ये हो गया पूरा हमारा कवर। सो हर घर कुछ कहता है, हर घर में रहने वाले लोगों की पसंद अलग अलग होती हैं। कुछ लोगों को खाली दीवारों वाला घर अच्छा लगता है, और कुछ लोगों को सजी हुई दीवारों वाला। तो ये एक सजी हुई दीवारों वाला घर आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।